अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से हाज़िर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ कबाब चीज़ फ्राइड चिकन, जो कि मैंने तो रिसेंटली देखा है कि यहाँ पे अब्दुल्ला मॉल की साइड ओपन हुआ है, न्यू उन्होंने ब्रांच ओपन की है। तो मैंने सोचा कि ये हमारे जामशोरों के करीब भी है, तो चलें चक्कर लगा के आते हैं। ईद पे भी कहीं बाहर नहीं गए थे रश और क्राउड की वजह से, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलें चलते हैं हम घूमने। तो आज जी ईद का चौथा दिन है और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये देखें, हम पहुँच चुके हैं सामने ही अब्दुल्ला मॉल, और अब्दुल्ला मॉल के साइड में अलग से भी जाने का रास्ता है, और अब्दुल्ला मॉल के अंदर भी जो है वो जाने का रास्ता है कबाब जीज फ्राइड चिकन पे। तो चलें जी, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या एनवायरनमेंट है और कैसी डेकोरेशन वगैरह की हुई है इन्होंने। तो चलें अंदर चल के देखते हैं। तो अंदर हम आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत सा बनाया है इन्होंने, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। ऊपर जो है वो बच्चों का एरिया है, तो मैं ऊपर नहीं गई, और मैंने अपने हस्बैंड से बहुत कहा कि आप जाएं जाके वीडियो बना के आएँ, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, पर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो अभी बस हम सोच रहे हैं कि क्या ऑर्डर दें, और इनके बस मुझे फ्राइड चिकन और बर्गर खाने का ही मूड है, तो हमने बस एक डील जो है वो मंगवा ली, जिसमें दो बर्गर थे, दो चिकन पीस थे, और फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक शायद हमने अलग से ली। हाँ, कोल्ड ड्रिंक हमने अलग से ली थी। तो ये रही जी मैं, हेलो। तो मैंने ईद वाले ही कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि ईद पे मैं कहीं गई नहीं थी बाहर, तो इसीलिए मैंने वही कपड़े पहन लिए। तो ये देखें, इसकी छत भी बहुत अच्छी बनी हुई है, और इतनी गर्मी में इनके जो अंदर इतना कूल माहौल था, एसी बहुत अच्छा चल रहा था। काफ़ी रेस्टोरेंट्स में होता है एसी सही से नहीं काम करते, तो यहाँ पे एसी भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो मुझे बैठने में मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जी हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो KFC की तरह यहाँ पे भी सेल्फ सर्विस है, तो ऑर्डर हमारा आ चुका है। ये देखें जी, क्रिस्पी यमी, इनकी चिकन का टेस्ट तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इनके बर्गर भी बहुत अच्छे हैं, टेस्ट वाइज भी एवन है, गुड डे। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्किप KFC, तो आप यहाँ पे आके ये डील खा सकते हैं, बहुत यमी है। और इनकी विंग्स अभी मुझे ट्राई करनी है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनकी हम विंग्स ट्राई करेंगे, और बहुत अच्छा है इनका खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कबाब जी फ्राइड चिकन वालों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, लेकिन मैंने जब भी यहाँ से खाया है मुझे सेटिस्फिकेशन मिली है, और मुझे इनका खाना बहुत अच्छा लगा है। तो बस मैं अभी खा पी लिया है सारा, एंड कर दिया मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और अभी बस जाने की है तैयारी। ये रही जी मैं, फुल सेटिस्फिकेशन के साथ खाना खाने के बाद जो सेटिस्फिकेशन मिलती है, तो उस सेटिस्फिकेशन के साथ। तो चलें जी, अभी चलते हैं घर।
तो अभी घर जा ही रहे थे तो हमने सोचा कि अंदर अब्दुल्ला मॉल से चलते हैं। तो यहाँ पे लगी थी मीना बाज़ार, जो कि चांद रात के दिन ख़त्म होनी थी। मुझे यही लगा था, मुझे आज बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए होंगे। तो ये कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे लेकिन वो मज़ा नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन ये जी मीना बाज़ार, इनकी बस यही थी, कुछ स्टॉल्स बंद थे और कुछ ओपन थे। तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की है, पता नहीं कैसे करके, लेकिन बस यही कुछ था यहाँ पे। और मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई, वरना आपको दिखाती। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं फुल अब्दुल्ला मॉल का टूर खुद भी लूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। ओके जी, सो यही थी आज की वीडियो। अभी हम जा रहे हैं घर वापस, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में।